राजस्थान सरकार में सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल को एयरलिफ्ट से जयपुर के एसएमएस से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया। आपको बता दें कि एसएमएस में ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से सांगनेर एयरपोर्ट पर पहुंचाया गया, जहां पर सीएम अशोक गहलोत, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुधीर भंडारी, अस्थमा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह भी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। मेदांता अस्पताल में अब उनका फिलहाल इलाज जारी है। आपको बता दें कि मंत्री भंवरलाल मेघवाल को ब्रेन हेमरेज होने पर शरीर के दाहिने हिस्से में पैरालिसिस अटैक आ गया। अस्पताल में इलाज के दौरान ही फेफड़े और श्वास नली में भी उनको संक्रमण की शिकायत हुई। इसके बाद ही मंत्री के परिजनों ने सीएम अशोक गहलोत से उनके आगे के इलाज के लिए मेदांता अस्पताल में शिफ्ट करने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद उन्हें मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया। मास्टर भंवरलाल मेघवाल को अभी कुछ ही दिन पहले यहां पर एक ब्रेन हैमरेज का अटैक हुआ। उसके बाद में उनका जो शरीर का दाहिना हिस्सा है वो पैरालिसिस हो गया। हालांकि उनकी हालत उतनी गंभीर नहीं है, हालत स्थिर है, लेकिन कुछ संक्रमणों के चलते एसएमएस हॉस्पिटल से एयरलिफ्ट करके उन्हें मेदांता अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ में वन संवाददाता दिनेश कसाना इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं मेरे साथ में। दिनेश, मेदांता अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए जाए कि दो दिन से एसएमएस हॉस्पिटल में मास्टर भंवरलाल भर्ती थे, लेकिन हालात उनकी स्थिर बनी हुई थी, इसके चलते अब उनको मेदांता अस्पताल गुरुग्राम में शिफ्ट किया गया। आज सुबह ग्रीन कॉरिडोर के से एयरपोर्ट ले जाया गया, जहां से एयर एम्बुलेंस के द्वारा उनको मेदांता हॉस्पिटल ले जाया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद एयरपोर्ट पहुंचे थे जी। और उनकी स्थिति की लगातार स्वास्थ्य की जानकारी भी मुख्यमंत्री ले रहे हैं लगातार, और फिलहाल उनको मेदांता हॉस्पिटल में आईसीयू वार्ड में वेंटिलेटर पर रखा गया है। जो वहाँ के डॉक्टर हैं उनकी टीम बोर्ड बनाया गया है, उसकी पूरी टीम उनकी स्वास्थ्य की जांच कर रही है। और उसके बाद देखिए, दो दिन से यहाँ पर उनको रखा गया था एसएमएस हॉस्पिटल में, उनका इलाज किया गया था, लेकिन फेफड़ों में और श्वास नली में संक्रमण की शिकायत आ रही थी, जिसके चलते जो उनके परिजन है उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समक्ष ये कि उनको वहाँ गुरुग्राम मेदांता हॉस्पिटल ले जाया जाए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो वहाँ के अधीक्षक है नरेश त्रिहान, उनसे रात को फोन पर बात की, उसके बाद मेदांता हॉस्पिटल ले जाने की पूरी व्यवस्था की गई। एयर एम्बुलेंस से उनको मेदांता हॉस्पिटल ले जाया गया। फिलहाल उनकी हालात स्थिर बनी हुई है, जो वहाँ के डॉक्टर हैं उनकी निगरानी में उनका पूरा इलाज किया जा रहा है जी। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया दिनेश।